तो सबसे पहले गाइज आपने इस तरह की वीडियो शूट करनी है जैसे आपको स्क्रीन पर अभी नज़र आ रही है। वीडियो बहुत लंबी थी, मैंने शॉर्टकट में बना ली है, अगर आप समझने दो तीन बार देख लेना आपको समझ आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर एक कट लगाना है, उसके बाद उसकी स्क्रीन शॉट लेनी है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपने इरेजर एप्लीकेशन को ओपन करना है, जिसमें PNGs बनती है। ये मैंने ओपन कर ली यहाँ से। यहाँ से मैं इसको सिर्फ जो हमारा हेड है ना उसको हम PNG बनाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से। इस तरह से आपने भी कर लेना है, आप आराम आराम से वीडियो को देख लेना तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह से करने के बाद ये मैंने PNG बना लिया यहाँ से। उसके बाद आपने पिक आर्ट एप्लीकेशन में आना है। पिक आर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद आपने वही वाली पिक्चर लेनी है जो हमने इरेज की है अभी। फिर उसके बाद टूल्स में आना है और उसमें ये शेप वाले ऑप्शन में आ करना, इसको हमने इसकी जो गर्दन है इसको लंबा करना है, इस तरह से नीचे की तरफ उसको लंबा करना है। मैं सिर्फ तरीका आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप ख़ुद कर लेना बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। ये हमारी गर्दन लंबी हो गई, उसके बाद इसे सेव करना है। सेव करने के बाद हम दोबारा से काइन मास्टर के अंदर आएंगे। आने के बाद हम यहाँ पर ये वाली जो हमने ली है ना इसको हम लेंगे। ये इससे भी हो सकता है लेकिन ये मुझसे गलती हो गई थी तो इसलिए वीडियो में इसने मैंने काट दी थी। ये आपने नहीं करना है, इसमें ऐसे भी होता है लेकिन इसमें फिर आप उड़ नहीं सकते। तो आपने वो वाली PNG लेनी है जो हमने अभी बनाई है, बिल्कुल हेड के ऊपर वहीं पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ से जो है ना इसको फुल करना है और यहाँ पर एक दूसरी PNG हमें चाहिए। तो फिर दोबारा से इरेजर एप्लीकेशन में आएंगे हम। ये आ गए हमें इरेजर एप्लीकेशन में और हमने इस जगह की जो हमने तस्वीर ली थी जिसका हमने सिर्फ हेड काटा था, अब वो हम अपने पूरे जिस्म को PNG बनाएंगे नीचे से। यह मुझे याद नहीं था तो इसलिए मैं भूल गया था। तो इस तरह से आपने कर देना है, जो हमारा पूरे बॉडी है ना उसकी PNG बनाएंगे हम यहाँ से। ये हम मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। यार वीडियो बहुत लंबी बन रही है, बहुत मेहनत भी लेगी, ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना है साथ में आप लोगों ने। तो ये बन गई। उसके बाद आपने काइन मास्टर में आना है और जो हमने अभी PNG बनाई है ना उसको भी हम यहाँ पर ले आएंगे। ये लोडिंग हो रही है तो ये हमने इसके ऊपर लाना है जो हमने बनाई है, इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है इस तरह से। और इसकी जो ड्यूरेशन है ना उसको भी हमने फुल करना है, जो जहाँ तक दूसरे वाली PNG है यहाँ तक, जहाँ पर हमने प्लस का निशान है जहाँ पर कट लगाई थी आपने वहीं तक वीडियो को रखना है इस तरह से। ये भी काट देना, नीचे वाली को भी मैं काट देता हूँ। उसके बाद ऊपर वाले जो हमने काटा था वो भी काट लेंगे। अब हम यहाँ पर इसके जो हमने की फ्रेम देंगे इसमें थोड़ा सा आगे करके ना यहाँ पर इसे ऊपर कर देंगे इस तरह से। ये की फ्रेम हमने डाल दिए। की फ्रेम अगर आपको नहीं पता तो ये मेरी नीचे दूसरी वीडियोस देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब इसमें हम इसके डुप्लीकेट बनाएंगे, इसके तीन डुप्लीकेट और बनाएंगे, मतलब टोटल हमने इसको चार करनी है। तो ये तीन चार हो गई हमने। अब हमने क्या करना है ना, जो नीचे वाले जहाँ पर हमने प्लस का निशान लगाया है ना यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा ज़रा स्ट्रेच लंबा कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको प्लस का निशान पर हमें कैंची पर क्लिक करना है। हमने तीनों को इस तरह से करना है, सिर्फ जो हमने फर्स्ट वाली ली थी ना उसको छोड़ देना है। इसका जो शुरू वाला पार्ट ऐसा है ना इसको हमने अभी डिलीट करना है। ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तीनों को। तो अभी इसका एक इस साइड बाकी है ना, तो इसमें हम की फ्रेम डालेंगे। तो की फ्रेम मैं कुछ इस तरह से डालूँगा, आप ख़ुद देख लें। चाबी के निशान पर क्लिक करेंगे, फिर उस तस्वीर सेलेक्ट करेंगे हम, जो जिस पर हमने PNG डालनी है ना उसको हम रोटेट करेंगे फुल, जहाँ पर हमने इसे रखना है ना वहाँ पर ले आएंगे। ये हो गया। अभी ये सही नहीं बनी है ना, ये देखिए उसका जो गर्दन से ना वो हट कर आ रहा है। तो इसके लिए हमने दोबारा से इसको थोड़ा सा लंबा करना है ताकि की फ्रेम आसानी से लग सके। तो हम फिर से की फ्रेम पर क्लिक करेंगे, जहाँ से हमारी गर्दन से हट रहा है ना वहाँ पर हम गर्दन के ऊपर की फ्रेम देंगे इस तरह से। अब चेक करें, इस तरह से आपने इस तरह से करना है। जितने भी पिक्चर है ना सब को आपने इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आपने सेलेक्ट करनी है ताकि गोल घूम सके। ये हो गया। अब मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ भी करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है ना, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो मैं इसे जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ ताकि आप ख़ुद आसानी से, आप अपनी वीडियो में बहुत टाइम लगाकर बनाए तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो मैं ये तीनों को जल्दी जल्दी से करता हूँ। ये इस तरह से आपने करना है, सब में आपने इस तरह से की फ्रेम देने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने की फ्रेम देने हैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। मैंने वीडियो तेज़ किया है, आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आएगी लेकिन पहली पिक्चर को आप जो देखेंगे ना तो आप
सिर्फ तरीका मैं आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको तरीका आ जाए, बाकी आप ख़ुद भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो ये हमने कर ली। अब यहाँ पर हम एक स्क्रीन शॉट लेंगे, जो हमने ये चारों लग गई ना, यहाँ पर हमने एक स्क्रीन शॉट भी लेनी है। तो यहाँ से हम सबको यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से, ये इसको डिलीट भी कर देंगे हम इससे। ये हो गए चारों अणु को हमने इस तरह से कट लगाना है, उसको डिलीट भी कर देना है, और एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ की हम लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम दोबारा से जो है ना वो इरेज़र एप्लीकेशन में आएंगे। इरेज़र एप्लीकेशन में आने के बाद ना हम उसको जो हमने तस्वीर ली है ना उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये वाली। अब सिर्फ हम जो हमारे हैंड्स हैं ना उनको हमने इरेज़ करना है, बाकी हिस्से को हमने डिलीट कर देना है इस तरह से। ये हो गया। ये होने के बाद ये सब हमने कर लिया, यहाँ से हो गया। ये मैं कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, आप खुद आराम आराम से कर लेना अपनी वीडियो में। ये हो गया, ये थोड़ा सा रह गया, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये सेव करना है। अगर ये वीडियो में आपका मसला आ जाए ना तो आप पिकआर्ट में इसे सही कर लेना। तो यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर लूँगा, उसी जगह पर सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ से हमने PNG ली थी। यहाँ वीडियो के साइज़ के बराबर करेंगे इसको इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद हम इसमें एक एनिमेशन भी डालेंगे, ओवरऑल एनिमेशन। नीचे आएंगे तो काउंटर या इसका क्लॉक वाइज, दोनों में से आप जो मर्ज़ी आप रख लेना। तो ये हमने इसमें एनिमेशन डाल दी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको शुरू में ले आएंगे इस तरह से। ये हो गया। अब इसको हमने शुरू में लाना है जहाँ से हमारी ये यही तक, मतलब जहाँ से हमने तस्वीर ली थी उसी जगह पर हम रखेंगे, और ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें भी की फ्रेम डालने होते हैं। ये मैं चेक कर रहा हूँ कि सही बनी है या नहीं, सही है यहाँ पर। और जहाँ पर मैं ऊपर देख रहा हूँ ना उसी जगह पर आपने उसको उठा लेना है ऊपर। उसके बाद इसमें एक की फ्रेम देने हैं इस तरह से, ऊपर उठा लेना है इसको, फिर नीचे वाले को PNG को भी उसके साथ मैच करना है ताकि आराम से ऊपर जा सके। तो ये मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, यह सब की फ्रेम की मदद से हम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं की फ्रेम पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं दूसरी, ताकि आपको की फ्रेम समझाऊं, तो फिर मुझे एक कमेंट में बता देना, तो मैं बना दूंगा वीडियो। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं समझाऊं तो वीडियो एक घंटे की बन जाती, बहुत लंबी हो जाती। तो ये की फ्रेम की मदद से आपने इसके साथ मैच कर लेना ऊपर उठा उठा कर इस तरह से। तो ये फालतू हिस्सा मैंने डिलीट कर दिया। वीडियो को चेक करें, इसको मैं फ्रंट में ले आया हूँ, तो ये चेक करें। अब ये वीडियो बन गई, इसको साथ में उठा लिया इसने, तो ये इस तरह से वीडियो बनती है, आप चेक कर लें। ये देखें की फ्रेम की मदद, सब इसमें की फ्रेम का हिस्सा है। मतलब की फ्रेम अगर आपको नहीं आते तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो बन गई। अब अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ताकि मैंने इतनी लंबी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो सब्सक्राइब तो बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। थैंक यू।